अक्सर हमें अपने चेहरे को सजाने के लिए मेकअप करने की बहुत आदत होती है। अपने चेहरे को हमेशा सुंदर दिखाने के लिए हम मेकअप का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे चेहरे पर मुहासे भी हो जाते हैं जो हमारे चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ने में एक मिनट का समय नहीं लगाते। अगर आपका चेहरा भी मुहासों से भर चुका है और आपको अपने चेहरे को छुपाने के लिए कुछ करना है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ आसान मेकअप टिप्स। जी हाँ, कहा जाता है कि मुहासे वाले चेहरे पर मेकअप करने का कोई फायदा नहीं होता। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हर चीज़ की एक ट्रिक होती है, हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त को बताऊंगी कि मुहासे वाले फेस के लिए आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। टिप नंबर 1, साफ ब्रश का इस्तेमाल करें। आप जब भी अपने चेहरे पर मेकअप अप्लाई करें तो अपने हाथों को और अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और कोशिश करें कि अपने पुरानी मेकअप किट को अपने वार्डरोब से बाहर निकालें और नई मेकअप किट को ऐड करें। अपने चेहरे का मेकअप करने के लिए आप नए ब्रशेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप पुराने ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपके चेहरे पर दाने निकल जाएं। नंबर 2, मेकअप करने वाले ब्रश को हमेशा साफ रखें। जी हाँ, अपने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए मेकअप ब्रश को समय समय पर साफ करते रहें, क्योंकि अगर वो गंदे होंगे तो अगर आप उससे अपना मेकअप करेंगे तो आपका चेहरा भी गंदगी से भर जाएगा। इसीलिए अगर आप नए मेकअप किट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको समय समय पर अपने ब्रशेस को साफ करते रहना चाहिए। टिप नंबर 3, जब भी मेकअप खरीदने जाएं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। मान लीजिए अगर आप मेकअप खरीदने गई हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर उन उत्पादों में सल्फर और अमोनिया या फिर वो ऑयल फ्री हो तो ही उन्हें खरीदें। कोकोनट बटर या फिर अन्य पदार्थों से मिली चीज़ों को ना खरीदें, क्योंकि ये आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर ज़्यादा मुहासे होते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर ड्राई है तो आप कोकोनट और बटर युक्त उत्पादों का उपचार कर सकते हैं। टिप नंबर 4, जब भी मेकअप करें तो ज़्यादा जल्दी ना मचाएं, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में मेकअप करेंगे तो मेकअप तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ आपके चेहरे पर संक्रमण भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेकअप जल्दी करने से संक्रमण का क्या रिश्ता हो सकता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ब्रश के अंदर फाउंडेशन लगाकर अपने चेहरे पर जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे और उसके साथ लिपस्टिक या पाउडर को मिक्स मैच करेंगे तो आपके चेहरे पर संक्रमण हो सकता है। इसीलिए जब भी आप मेकअप करें तो अपने आप को समय दें, धीरे धीरे मेकअप करें। ऐसा करने से मेकअप बैलेंस रहेगा और साथ ही साथ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अपने फेस पर लगाया हुआ है। टिप नंबर 5, अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा मुहासे हैं तो आपके चेहरे के लिए मैट मेकअप सबसे बेस्ट रहेगा। फिर चाहे वो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो या फिर लिपस्टिक, आपको मैट मेकअप ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी त्वचा पर संक्रमण नहीं होगा, साथ ही साथ मुहासे भी ज़्यादा नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ईजी ट्रिक्स मुहासे वाले चेहरे को मेकअप करके संवारने के लिए। इन्हें आजमाइए और अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।